हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए, नेटवर्किंग एंड इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस सीरीज़ की पहले वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं रिपीटर्स के बारे में। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट्स इट एट अ हायर लेवल एंड और हायर पावर। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक रिपीटर एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिससे आप पीछे से आ रहे सिग्नल्स को रीजनरेट करके, रेप्लीकेट करके, एम्पलीफाई करके आगे भेज सकते हैं। आपका रिपीटर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स दोनों को रीजनरेट कर सकता है, दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। तो यहाँ पे रीजनरेशन और एम्पलीफिकेशन में एक फ़र्क है। एम्पलीफिकेशन का मतलब कि सिग्नल्स जो पीछे से आ रहे हैं, चाहे उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, उनको भी एम्पलीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन रीजनरेट और रिकन्स्ट्रक्ट का मतलब है कि आपका जो सिग्नल है उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल के और फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करके या रिकन्स्ट्रक्ट करके भेजा जाएगा। और जो रिपीटर्स होते हैं आपके, वो लेयर वन ऑफ ओएसआई मॉडल पे काम करते हैं। अगर हम ओएसआई मॉडल में उसको रखना चाहें तो वो फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं, यानी कि उनको क्या डेटा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जस्ट वो पीछे से 0-1 के फॉर्मेट में डेटा रिसीव करते हैं और उसको आगे एज इट इज़ एम्पलीफाई करके फॉरवर्ड कर देते हैं। रिपीटर्स को हम एनालॉग और डिजिटल रिपीटर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एनालॉग रिपीटर्स होते हैं वो सिग्नल्स को सिर्फ एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि पीछे से जैसा सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करके आगे सेंड कर देंगे, चाहे उसमें इम्प्योरिटीज हैं या कुछ भी है। लेकिन जो डिजिटल रिपीटर्स होते हैं वो ना सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं बल्कि उनमें से इम्प्योरिटीज को निकाल के सिग्नल को रिकन्स्ट्रक्ट करके उसको बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल के और सिग्नल को फिर आगे भेजते हैं। चलिए इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे रिपीटर्स एक समय बड़े पॉपुलर रहे हमारे नेटवर्क में और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। मान लीजिए 10 बेस 2 का एक नेटवर्क चल रहा है जिसको थिन नेट भी कहा जाता था, जिसकी मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ 185 मीटर्स थी। तो इसमें जो कंप्यूटर्स थे वो आपस में जब कनेक्टेड थे तो वो अपनी सेगमेंट लेंथ पे मान लीजिए पहुंच गए 185 मीटर, और उसके बाद हमें और कंप्यूटर्स लगाने की जरूरत पड़ी या नेटवर्क को इससे आगे 185 मीटर से आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी। तो अगर हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं जो 185 मीटर और 185 मीटर की मैक्सिमम सेगमेंट तक पहुंच गए हैं और हम इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ रखे हुए कंप्यूटर और दूसरी साइड रखे हुए कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो यहाँ पे आपका रिपीटर हेल्प कर सकता है और रिपीटर आपका एक साइड के आपके सिग्नल्स को दूसरी साइड सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे रिपीटर आपकी हेल्प करेगा और रिपीटर आपका एक साइड के सिग्नल्स जो हमारे इस सेगमेंट में होंगे उसको रीजनरेट करके दूसरी साइड सेंड कर देगा। और इसी तरह से जो यहाँ पे इस सिस्टम के सिग्नल्स होंगे, अगर वो यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं तो रिपीटर उसको रीजनरेट या एम्पलीफाई या रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना एक नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जो है रिपीटर। रिपीटर हमारा लेयर 1 ऑफ ओएसआई मॉडल पे वर्क करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।